अस्सलाम वालेकुम मेरे यारो, आप लोग ये देख रहे हो कि इतने दिन से जो आपको बताया जा रहा है मैं अरेस्टेड हूँ, ये हूँ हुआ हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा था मलाड से रात को 4:30 बजे, मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में है, वहाँ से फिर मैं जा रहा था तो मैंने एक्चुअली नाकाबंदी तोड़ दी तो पुलिस मेरे पीछे लग गई, मुझे पकड़ा और सुबह में संडे कोर्ट में मेरा बेल हो गया। तो इन लोगों ने उस न्यूज़ को ऐश्वर्या चौबे की न्यूज़ से तोड़ दिया कि आईटी एक्ट में मुझे अरेस्ट किया है और मैंने फिर से पिक्चर भेजे हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने ऑस्कर का कमर्शियल किया, इन लोगों ने आपको कुछ नहीं बताया। मैंने साउथ की 17 पिक्चर की, इन लोगों ने नहीं बताया। मैंने लकीर का फकीर में इतना अच्छा काम किया, इन लोगों ने नहीं बताया। मैंने रक्त चरित्र किया, इन लोगों ने नहीं बताया। मैंने लव डे किया, इन लोगों ने आपको नहीं बताया। मैंने जितने भी अच्छे काम किए, शबाना आजमी जी ने अम्मा के सेट पे मेरी तारीफ की कि ये कितना अच्छा एक्टर है, ये आपको इन्होंने नहीं बताया। पूजा भट्ट ने मुझे फिल्म के लिए साइन किया, ये चीज इन्होंने नहीं बताई। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया में कुछ भी देखो, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी मीडिया में कुछ भी देखो मत मानो। पूरी मीडिया बिकी हुई है, झूठी है। और यार मैं ये सोच रहा हूं कि अच्छाइयां लोगों की ये लोग क्यों नहीं दिखाते? आपको नहीं लगता ऑस्कर का कमर्शियल करना एक बहुत बड़ी बात है एक लड़के के लिए? हाँ, आप लोगों को नहीं लगता कि साउथ में इतनी सारी बड़ी बड़ी पिक्चरें किया, यहां पे इतना काम किया, लव डे में मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरे साथ जो भी नाइंसाफी होती है ये लोग नहीं दिखाते? लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज दे देंगे बिना मुझसे बात किए, बिना सच्चाई जाने। सिर्फ एजाज खान, अच्छा डालो ब्रेकिंग न्यूज, अच्छा एजाज खान ब्रेकिंग न्यूज डालो। अरे अच्छी चीजों की भी तो ब्रेकिंग न्यूज होते हैं, अच्छी चीजों की भी तो होते ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन अच्छाइयां ये लोग दिखाना नहीं चाहते, सिर्फ लोगों की झूठी बुराइयां, वो भी सच्चाई नहीं, झूठी बुराइयां इन लोगों से पूछ लो, ये लोग आपको दिखा देंगे। लेकिन मैं एक बार कह दूं कि ना मैं गिरा हूं, ना मेरे हौसले गिरे हैं, ना मेरी उम्मीदें गिरी है, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे हैं। मेरे साथ मेरा अल्लाह ताला है, मेरे फैंस है, मेरी मां की दुआएं है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अल्लाह हाफिज मेरे यारो, बस तुम मुझसे प्यार करना, मुझ पर भरोसा करना और ये मीडिया वालों से बचना, ये लोग आपकी आंखों पे पट्टी लगा देंगे। देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो? गरीब परेशान है, तुमको क्या लगता है ये नोटों की लाइन में जो लगे हुए गरीब, इनके पास काला धन है? तुमको क्या लगता है कि ये जो बेचारे लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी शादियां कैंसिल हो रही है, उनके पास काला धन है? अरे काला धन तो वो रेड्डी के पास था जिसने 600 करोड़ की शादी किया, काला धन तो उनके पास है जो आराम से सोए हुए हैं, सुबह लाइन में लग के रात तक लाइन में परेशान रहने वाले लोगों के पास काला धन नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को बस आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना के लड़ा दिया जाता है, पॉलिटिशियन लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं और हम सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ बर्दाश्त। बंद करो यार, बंद करो यार। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, यहां तो बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े सूबे के गैंगस्टर, बड़े बड़े हरामी लोग क्या क्या नहीं कर रहे, देश चला रहे, नेता बन गए, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ट्रंप देखो, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो भाई मेरे बारे में इतना मत सोचना।